महिला सशक्तिकरण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है। IDTC और प्राइवेट एग्रीगेटर मिलकर महिलाओं को ड्राइविंग की स्किल सिखाएंगे और इसके लिए आधा खर्च प्राइवेट एग्रीगेटर देंगे और आधा खर्च दिल्ली ट्रांसपोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। कुछ महिला ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं जो खुद को सशक्त बनाना चाहती हैं, यानी कि घर तो चलाती ही थी, अब अपनी पूरी लाइफ की जिम्मेदारी वो खुद अपने कंधों पर उठाना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? संध्या। संध्या, ये प्रोफेशन आपने क्यों चुना? सब लड़के करते हैं, हर चीज लड़के करते हैं, ड्राइविंग लड़के करते हैं, सब कुछ लड़के करते हैं, हम सिर्फ घर में रहते हैं, तो हम चाहते कि हम खुद घर से बाहर निकले, गाड़ी चलाए, खुद सीखे, खुद के दम पे खड़े हो, कि कोई और ये ना बोले कि लड़कियां घर में रहती है, लड़कियां भी तो बाहर निकल के काम कर सकती है, अपने दम पे खड़े हो सकती है, दिखाना चाहती है कि हम खड़े हो सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कि कोई अदरवाइज कोई और लड़का हमें आके ये ना बोले कि इन लोग तो कुछ नहीं कर सकते, इन लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ कर नहीं सकते, ये हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, गाड़ी सीखे। और जैसे कि कितने सारी घटनाएं हो रही है, रेपिंग्स हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, उसके चक्कर में भी लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, तो हम वो चीज हम करके दिखाएंगे। अच्छा, तो सरकार की इनिशिएटिव है, इसके अंदर आपको पैसे देने पड़े हैं क्या, कि फ्री है ये? फ्री है। आधा प्राइवेट कंपनी दे रही है और आधा सरकार। अच्छी ये योजना, आपको लगता है ज्यादा महिलाएं ड्राइवर बन सकेंगी? अगर अपने अंदर दम होगा तो हम कुछ तो कर सकते हैं। अच्छा, आपके परिवार में ये सवाल नहीं उठाए कि ये प्रोफेशन क्यों आप ज्वाइन कर रहे हो? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि आगे बढ़ो, बोल रहे कि आप आगे बढ़ो, हस्बैंड रोज छोड़ के इधर आते, लेके जाते, उन लोगों ने चाहते है कि हम आगे बढ़े। महिलाएं असुरक्षित अगर महसूस करती हैं तो महिला ड्राइवर भी, तो ऐसा हो सकता है कि रात बे रात हमारे साथ भी कुछ हादसा हो सकता है, ये डर है क्या मन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हादसा होना है तो होगा, डर वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है, अगर डरते तो यहाँ ना आते। कौन सी गाड़ी चला लेते हो आप? अभी तक सीखी नहीं। अच्छा, अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है। हाँ। कौन सी चलाना चाहते हो? टैक्सी चलाना चाहते। अच्छा, टैक्सी चलाना, टैक्सी चलाना चाहते। ऐसा अमाउंट भी है कि इतना कमाना है महीने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ किस्मत के ऊपर है, ये सपोर्टेड है, कोई बिना सपोर्टेड नहीं है, सब पूरी फैमिली सपोर्टेड है हमारी, कि आप आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ो, ऐसे पूरे सपोर्टेड है हमारे। तो देखिए, जो सरकार की जो इनिशिएटिव है उसके तहत 61 अभी महिला ड्राइवर्स तैयार किए जाएंगे, इनको एक महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और प्राइवेट एग्रीगेटर यानी कि ओला, ओबेर या फिर कोई अन्य कंपनियां होती हैं वो सरकार के साथ मिलकर इस तरह का इनिशिएटिव शुरू कर रही हैं। आज़ादी के 75 साल हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस स्पिरिट को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि कंधे से कंधा मिलाकर महिला सशक्तिकरण देश के अंदर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।